तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बैक टू बैक 10 कहानियां। दोस्तों, बस इसी तरह प्यार बनाए रखें, क्योंकि अगर आप हैं तो ही मैं हूं। इसी तरह अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो कहानियां सुनने से पहले कृपया कर आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। नमस्कार महेश सर, मैं राकेश। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप मेरी आप बीती अपने चैनल पर लेकर आए। ठीक इसी तरह मैं दोबारा अपनी फैमिली में से किसी की आप बीती आपको सुनाने जा रहा हूं। कृपया करके जल्दी से जल्दी आप इसे भी अपने चैनल पर लाइएगा। वैसे बता दूं कि हमारे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं, वो भी बिल्कुल सच्ची घटनाएं। जिसके साथ होती है वही लोग जानते हैं। सच बताऊं तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं। खैर, चलिए ठीक अपनी कहानी पर आते हैं। यह घटना साल 2017 की है, जो कि मेरे कजन के साथ घटी थी। मेरे कजन का नाम ऋषि है। उनके साथ यह घटना 2017 5 नवंबर को घटी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, उससे पहले 12 अगस्त को मेरी सिस्टर डेड हो चुकी थी। आखिरकार उसको उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। कुछ गांव वाले कहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। ठीक इसी प्रकार 12 अगस्त को मेरी सिस्टर की मृत्यु हो गई। इसके बाद ठीक मेरे कजन के साथ ये घटना घटी 5 नवंबर 2017 को। एक बार की बात है, वो सुबह रनिंग पर जा रहे थे। सुबह 4 बजे का वक्त था, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद उनको कोचिंग भी जाना होता है, इसीलिए वो अक्सर सुबह 4 बजे उठकर जाते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि जब वो रनिंग पर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से उनको आवाज दे रहा है। भागते भागते वो अपने साथी से बोले कि यार, कोई लड़की की आवाज आ रही है, क्या ये आवाज तुझे भी आ रही है? साथी ने कहा, अबे कौन सी लड़की, यहां इस वक्त कौन लड़की रनिंग करने आएगी, वो भी इतनी ठंड में? कजन ने कहा, अबे नहीं यार, मुझे किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। साथी ने कहा, तू मुझे क्यों डरा रहा है, चुपचाप रनिंग कर, मजाक बाद में करियो। दोस्तों, दोनों ने रनिंग करना जारी रखा। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव में लोग रनिंग करने पुल तक जाते हैं। वो पुल गंगा नदी के ऊपर से निकला है। हम ठीक यूपी बिहार के बॉर्डर पर रहते हैं। गंगा नदी के उस पार यूपी का चित्र शुरू हो जाता है और इस पार बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। खैर, वो जब रनिंग करके वापस आ रहे थे, तब उन्हें ठीक सामने से आती हुई एक लड़की दिखाई दी। उस वक्त मेरे कजन ने कहा कि देख अभिषेक, सामने कोई लड़की है, मैं तुझे कह रहा था ना कि कोई आवाज दे रहा है, वो भी एक लड़की की आवाज, तूने माना नहीं। अभिषेक ने कहा, अबे कहां दिख रही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस तू और मत डरा, चुपचाप रनिंग कर, अगर तेरा मन नहीं था तो मत आता, फालतू में मजाक कर रहा है और मुझे डरा रहा है। दोस्तों, इसके बाद वो सब हुआ जो बहुत ही भयानक था। जब वो पुल से नीचे आ रहे थे, तब वो लड़की उनके आगे पीछे दौड़ रही थी। इसके बाद जब वो पुल से नीचे आए, तो ठीक वो लड़की उन्हें नीचे दिखाई थी। उस वक्त वो लड़की उनसे आगे थी। थोड़ी दूर दौड़ते दौड़ते दोनों थक गए और एक जगह पर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहने के बाद उनके दोस्त अभिषेक ने कहा कि चलो ऋषि, गंगा नदी के किनारे थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और घूमना भी हो जाएगा। दोस्तों, वो दोनों नदी के किनारे फ्रेश होने चले गए। साथियों, खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जब वो दोनों ने नदी के किनारे पानी को छुआ, तो अचानक किसी ने उन्हें पीछे से एक जोरदार का धक्का दिया। दोनों पानी के अंदर जा गिर पड़े। हालांकि वो दोनों डूबे नहीं, उन्हें सिर्फ धक्का दिया गया था। दोनों बिल्कुल भीग चुके थे। उस वक्त उन्हें बुरी तरह से ठंड भी लग रही थी। दोनों तुरंत खड़े हुए और आपस में इधर उधर देखने लगे। जब उन दोनों को कोई नहीं दिखा, तो आपस में कहने लगे
कि तूने धक्का दिया होगा। अभिषेक कहने लगा कि तू रनिंग करते समय भी डरा रहा था और अब तूने डायरेक्ट पानी में धक्का दे दिया और तो और खुद भी गिर गया ताकि मुझे शक ना हो। ऐसा मजाक सही नहीं है यार, मजाक मजाक तक सीमित रहता है। दोस्तों वो आपस में लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की पानी में तैरती हुई उनके पास आई। दोनों की नजर जैसे ही पड़ी तो दोनों उस लड़की को देखते और आपस में इशारों में बात करते हुए दोनों चकित रह गए। उसी बीच उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसी बीच जो मेरे कजन का फ्रेंड था अभिषेक, वो सोचने लगा कि इतनी सुबह लड़की क्या कर रही है। पर ज्यादा ना सोचते हुए उसने मेरे कजन से कहा कि चल यार, लड़की बुला रही है, क्या पता डूब रही होगी, जल्दी चल, मदद करनी भी जरूरी है। दोस्तों मेरे कजन ने उससे कहा, नहीं ये कोई सही लड़की नहीं है, मुझे तो ये कुछ और ही लग रही है। अचानक अभिषेक बोला कि अरे साले, तुझे हर जगह मजाक क्यों सूझ रही है, कोई डूब रहा है और तू बकवास कर रहा है। दोस्तों वो नहीं माना और उस लड़की को बचाने के लिए चल पड़ा। मेरे कजन ने अपने दोस्त से कहा कि एक बार मेरी बात का विश्वास कर, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा। सामने से आवाज आई, मैं कैसे तेरी बात पर विश्वास करूं। लेकिन कजन ने अपने दोस्त से कहा कि देख, मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है, इसे किसी रस्सी में बांधकर उस लड़की को पकड़ने के लिए बोलते हैं, अगर उसने इसको पकड़ लिया तो मैं मान लूंगा कि वो असली है और हाँ, मैं तभी तेरे साथ उस लड़की को बचाने के लिए जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, पर रस्सी कहां से लाएंगे। इसके बाद दोनों पानी से बाहर निकले और रस्सी का इंतजाम करने लगे। बहरहाल रस्सी उन्हें मिल ही गई। कजन ने लॉकेट उतारा और उस रस्सी में बांध दिया। इसके बाद वो उस रस्सी को उस लड़की के पास फेंकने गए। फेंकते वक्त वो उस लड़की से बोल पड़े कि तुम इस लॉकेट को पकड़ो जो हम तुम्हारे पास फेंक रहे हैं, इस लॉकेट के सहारे तुम इस रस्सी को पकड़ लेना, हम तुम्हें खींचकर बचा लेंगे। लड़की ने कहा, नहीं मैं इस लॉकेट को पकड़ूंगी तो ये टूट जाएगा। कजन ने कहा ठीक है, हम इस लॉकेट को तुम्हारे पास फेंक रहे हैं, बस तुम इस लॉकेट को छू लो, फिर हम दोनों तैर कर तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। लड़की ने कहा, तू अभी आ रहा है या नहीं। मेरे कजन का दोस्त अभिषेक थोड़ा डर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए इशारों में बात करने लगे। दोनों समझ चुके थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। वो दोनों ठीक वहां से भाग निकले। भागते भागते थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो लड़की तो गायब थी, बस एक आवाज उनके कानों पर गूंजी कि तुम दोनों आज तो बच गए, शुक्र करो, अगर आज ये लॉकेट नहीं होता तो मैं तुम दोनों को बड़ी बेरहमी से पानी में डुबाकर मार देती। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि ये मेरी सिस्टर की आत्मा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। उन दोनों ने उस वक्त घर पर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ये बात वो कब तक दबा कर रखते। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये घटना का जिक्र उन्होंने अपने घर में किया। उन दोनों को खूब डांट पड़ी, उन्हें मना किया गया कि फिर दोबारा तुम दोनों इतनी सुबह नदी के किनारे मत जाना। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो मेरी सिस्टर की आत्मा थे, क्योंकि मुझे अब तक इसकी पुष्टि नहीं मिली है। और तो और ऐसा वाक्य चाहे किसी के साथ भी हो, उसको मेरी सिस्टर के साथ जोड़ देना ये कहाँ की इंसाफी है। बाकी आपको जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस यही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी राकेश की भेजी हुई एक और कहानी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये राकेश की सिस्टर थी या कोई और, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अनस है। जब मैं 18 साल का था उस टाइम मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं खुद काम करके अपनी पढ़ाई करूंगा। वजह यह थी क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे पिताजी ही काम करने वाले थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सच बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। मैं नहीं चाहता था कि वो अकेले इतना काम करें और मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएं। इसीलिए मैंने घर में बात की कि मैं बाहर जाऊंगा, काम करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहता हूं। दोस्तों घर में सब लोग मना कर रहे थे,
कि तू यहीं पढ़ाई कर, अभी तेरी उम्र ही क्या है, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में पिताजी ने कहा कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद मैंने दिल्ली अपने दोस्त के पास फोन किया। मैंने उसे कहा कि मैं आ रहा हूं, तू मेरे लिए कुछ काम ढूंढ। दोस्तों, मेरे दोस्त ने मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया। फिर मैं दो दिन के बाद अपने दोस्त के पास चला गया। वहां पहुंचकर मैं अपने दोस्त के घर पर रह रहा था। मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। ऐसे ही कुछ एक महीना बीत गया। एक दिन की बात है, उस दिन कॉलेज और ऑफिस दोनों की ही छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं घूम कर आता हूँ। मैंने अपने दोस्त से कहा कि चल कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया। बस यही कारण था कि मैं अकेले ही चल पड़ा। मैं घूम ही रहा था, कुछ दूर जाते जाते मुझे दूर एक जंगल में एक घर दिखाई दिया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि उस घर के पास जाकर थोड़ी देर बारिश से बच जाता हूँ, वरना पूरा गीला हो जाऊंगा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस घर के पास पहुंचा। घर के पास पहुंचकर मैंने नोट किया कि अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। यकीन मानिए, मैं उसे देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि आपको बता नहीं सकता। पर एक सवाल मेरे मन में आया कि वो इस जंगल में क्या कर रही है, वो भी एक छोटे से घर में। उसने बाहर आकर मुझसे कहा कि जी कहिए, क्या काम है आपको। मैंने कहा, यहाँ बारिश हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर खड़ा हो सकता हूँ। उस लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने मुझसे कहा कि आइए, आप अंदर आ जाइए। उसने मुझे एक तौलिया दिया और कहा कि आप काफ़ी भीग चुके हैं, ये लीजिए, इससे अपने बाल पोंछ लीजिए। मैं ये सब कर ही रहा था कि वो थोड़ी ही देर में मेरे लिए चाय लेकर आई। फिर मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ अकेले इस घर में रहते हैं। उसने कहा, हाँ मैं यहीं रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि इतने छोटे से घर में और वो भी इस जंगल में आप यहाँ कैसे रह लेते हैं, आपके माता पिता कहाँ हैं। लड़की ने कहा कि मेरे माता पिता अभी मुंबई में शादी अटेंड करने गए हैं। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं गए। सामने से जवाब आया कि मेरी तबीयत खराब थी और मेरी पढ़ाई भी चालू है, इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि ठीक है अलविदा, अब मैं चलता हूँ, अब टाइम भी हो चुका है और बारिश भी कम हो गई है। लड़की ने कहा, ठीक है, आप आराम से जाइए। मैं ठीक वापस घर आ गया। बस दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। मैं काम और कॉलेज के लिए लगातार जाता रहा। उसी बीच मुझे उस लड़की की याद आई, तो मैं दोबारा उसके पास गया। वहां पहुंचकर मैंने उससे बातें की। ऐसे ही चलते चलते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं अक्सर काफी समय उसके साथ बिताने लगा। ऐसे ही काफी समय बीत गया, हम दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन की बात है, मैंने उससे कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी काफी समय से तुम कहीं बाहर नहीं घूमी हो। दोस्तों, मुझे सामने से जवाब आया नहीं। उसकी ना सुनने के बाद मैं सीधा अपने दोस्त के घर पर आ गया। वैसे भी मैं काफी समय से सोच रहा था कि इस बारे में अपने दोस्त को बताऊंगा। मैंने ठीक इस बारे में अपने दोस्त से बात की। दोस्तों, उससे बात करके जो मुझे पता चला, उसके बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने मुझसे कहा कि तू क्या बात कर रहा है, उसके और उसके परिवार की तो 2016 में मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसके बाद मैंने उसकी न्यूज़ भी पढ़ी, 2016 में वसी नाका के साइड जिसके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। फिर अगले दिन मैं अपने दोस्त के साथ तुरंत उस घर की तरफ गया। मैंने वहां जाकर देखा कि घर पूरी तरह से खराब हो चुका था। वहां पर मकड़ी के जाले और धूल धक्कड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार को तो मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर यह हुआ क्या था। मैंने दोबारा अपने दोस्त से बात की। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त को जो कुछ भी बताया, उसे ये बात पूरी मजाक लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जाहिर है कि सब के सब मेरा मजाक ही बनाएंगे। बाकी दोस्तों, एक दिन मैंने यूट्यूब में देखा कि इस चैनल पर सभी की अपनी आपबीती आती है, इसीलिए मैंने अपनी दिल की बात आपको बताने की सोची। नहीं मालूम आपको इस पर यकीन आएगा कि नहीं, मगर मेरी कहानी का एक एक वर्ड बिल्कुल सच्चा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही इस कहानी को YouTube पर लाया जाए। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
दोस्तों, मेरा नाम शुभांकर है। मैं वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट पर रहता हूँ। वैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ तो ठीक मेरे घर के सामने एक बड़ा सा तालाब है। मेरा एक दोस्त भी है जिसका नाम आशीष चक्रवर्ती है। वो सिविक वॉलंटियर का काम करते हैं। उसकी कभी कभी तो दिन में ड्यूटी पड़ती है और कभी कभी रात में। एक दिन की बात है, उसकी नाइट शिफ्ट थी। ड्यूटी खत्म करके घर लौटने का समय आ चुका था। उस वक्त करीब से करीब 2 बज गए थे। तो ठीक जब मेरा दोस्त आ रहा था तो वो ठीक साइकिल से आ रहा था। आते समय रास्ते में तालाब पड़ता है। आपको बता दूं कि हमारे गांव में उस तरीके के 4 तालाब हैं। आते समय वो कुछ सोच रहा था अपनी फैमिली के बारे में। उसने रास्ते में एक दीवार पर खड़ी 12 साल की लड़की को देखा। वो ठीक जब उस लड़की को ध्यान से देख रहा था तो उसने पाया कि वो लड़की हमारे गांव की थी। और तो और उस लड़की का डिस्टेंस मेरे दोस्त से करीबन 25 या 30 मीटर की दूरी पर होगा। वो सोच रहा था कि इतनी रात को ये यहां पर क्या कर रही है। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस लड़की की तो मौत हो चुकी है, उसने सुसाइड किया था। दोस्त ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि यहां से जाना उसको ठीक नहीं लग रहा था। वो चुपचाप दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, जब सुबह हुई तो वो हमें इस घटना के बारे में बता रहा था। यकीनन हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज के समय में भी ऐसा कुछ होता है। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बाकी मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी को करीबन 5 साल बीत गए हैं। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी और आज मेरी उम्र 25 साल है। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, मैं पहले से ही डरपोक हूं। ज्यादा से ज्यादा इन सब के बारे में सुनने से मैं और ज्यादा डर जाता हूं। खैर, उस समय मैं कोई काम भी नहीं करता था, घर पे ही था। उसी दौरान एक दिन मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गया, यही कोई हुगली पंडवा में। दोस्तों, मैं जिस ऑफिस में काम करता था मैं ठीक वहीं पर रहता था, क्योंकि मेरे घर से ऑफिस का रास्ता बहुत दूर था। वहां रहते रहते कुछ दिनों बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत होना शुरू हो गई। मैंने पाया कि ऑफिस में कभी कभी रात के 12 से 1 बजे के बीच ऐसा लगता है कि जैसे छत पर कोई चल रहा है। कई कई बार तो ऐसे भी लगता है कि जैसे कोई दरवाजे को धक्का दे रहा हो। नहीं मालूम कैसी कैसी चीजें होने लगी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक बार तो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा तो पाया कि वॉशरूम का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख ही रहा था कि मानो डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए मैं मेरे साथ ऑफिस का जो नाइट गार्ड है उसको लेकर गया। पर ये चीजें बिल्कुल कम नहीं हुई, और तो और मेरा डर बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था न जाने यहां मैं क्यों आ गया। मेरा तो काम में भी मन नहीं लग रहा था। पर दोस्तों, एक दिन मैंने रात को हिम्मत करी और मैं ऑफिस के 3rd फ्लोर पर गया। मैंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जब मैं वापस नीचे उतर रहा था तब अचानक एक बिल्ली ठीक मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में बिल्लियों के घुसने की एक भी जगह नहीं थी। पर पता नहीं वो अचानक कहां से आई। हालांकि उसने कोई नुकसान तो नहीं किया, मगर यह सवाल मेरे दिमाग में हर समय रहता है। बाकी दोस्तों, आप ही बताइए क्या होगा उस बिल्डिंग का रहस्य। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राज रईस है। मेरे गांव का नाम है रामनगर। हमारे रामनगर में एक शुगर फैक्ट्री है। मेरे पिताजी वहीं नौकरी करते हैं। दोस्तों, पिताजी बताते हैं कि कुछ साल पहले उनके एक जॉब पार्टनर की इसी फैक्ट्री में मौत हो गई थी। मौत किस कारण से हुई ये मुझे नहीं पता, पर पिताजी बोलते हैं कि किसी चीज के गिरने की वजह से उसका सर कट गया। ठीक लोगों को अधिकतर रात के 12 बजे वो नजर आने लगा, और अक्सर वो उन्हें ही नजर आता था जो पिछले वाले स्टोर में जाते थे। वो सबको बहुत परेशान करता था। कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। हालांकि बिल्डिंग में काम तो आज भी चालू है, मगर ये रहस्य अब तक बना हुआ है कि क्या सच में वो वही है या कोई और। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम तुषान आर्या है। मैं आसाम गुवाहाटी में रहता हूं। ये कहानी आज से कम 10 साल पुरानी है।
मेरे घर के करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है। वैसे तो ये जगह मेन रोड है, लेकिन वहां एक मौत का कुआं पड़ता है। न जाने किसकी जान चली जाए। लोगों का कहना है कि जब देर रात अगर कोई उस रास्ते से आता है तो अक्सर कुछ ना कुछ लोगों के साथ अनहोनी हो ही जाती है। तो ठीक कहानी भी कुछ इसी कदर शुरू होती है। दोस्तों, मेरे एक जान पहचान के एक आदमी की शादी थी। वो शादी में लोगों को इनवाइट करने के लिए अपनी बाइक से न्योता देने जा रहा था। न्योता देते देते उसको रात के तकरीबन 10 बज गए थे। दिसंबर का महीना था और दिसंबर में असम में काफी ठंड पड़ती है। यूं मानिए कि कोहरा दिन में भी हटता नहीं तो रात की तो बात ही अलग है। खैर, उस रात वो आदमी बाइक चलाकर उसी रास्ते से जा रहा था। तब उसने देखा कि इतनी ठंड में बीच रास्ते एक नई नवेली दुल्हन रास्ते पर पैदल चल रही थी। एक बार को तो उसे लगा कि आखिर कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात को, ऊपर से इतनी ठंड। खैर, उन्होंने बाइक की स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और मोटरसाइकिल की हेडलाइट ऊपर कर दी। हेडलाइट गिरते ही दुल्हन रुक गई। वो आदमी भी मोटरसाइकिल रोककर रुक गया। वैसे उसको थोड़ा डर तो लग रहा था, क्योंकि वैसे भी ये जगह भूत प्रेतों की मानो राजधानी थी और ऐसे रास्ते में रात को ये सब होना बड़ा ही भयावह होता है। खैर, उन्होंने कोई आवाज नहीं की। वो बस चुपचाप देखने लगे कि आखिर ये है कौन, इंसान है या कोई और। उन्होंने देखा वो दुल्हन धीमे कदमों से वहीं पास के एक खाई की तरफ गई। उसने इधर देखा ना उधर, सीधा खाई में छलांग लगा दी। उस आदमी ने जोरों से आवाज लगाई कि अरे दुल्हन गिर गई, कोई है तो बचाओ। वो भागते हुए बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे उस खाई की तरफ गए। उन्होंने बाइक की हेडलाइट को ऑन किया और चारों तरफ देखा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गिरा ही ना हो, यहां कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गया। उसने चुपचाप बाइक ऑन की और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने ये बात अपने घर वालों को बताई। दोस्तों, तब जाकर उसे पता चला कि वो जगह एक ऐसा रास्ता है जहां काफी साल पहले एक मैरिज पार्टी की बस खाई में गिर गई थी। उस वक्त दूल्हा दुल्हन के साथ करीब 10 लोग मारे गए। और तो और कई लोगों का मानना है कि उस रोड पर उन्होंने भी उसे देखा है। खैर, लोगों ने उसे देर रात उस रास्ते से ना आने की नसीहत दी। तब से हर चीज नॉर्मल हो गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो आदमी की कुछ दिन बाद शादी थी। दिन बीतते गए और शादी का दिन भी नजदीक आ गया। वो दिन उसकी शादी का दिन था। सब लोग काफी खुश थे। रात का वक्त हुआ। दूल्हे के साथ करीब 40 लोग एक बस में सफर करके दुल्हन के घर आ रहे थे। एक ही गाड़ी में बराती के साथ दूल्हा भी था। सब के सब इंजॉय करते हुए आ रहे थे। तो ठीक जब वो उस रास्ते पर पहुंचे तो गाड़ी के ड्राइवर को वहां दो रास्ते दिखाई दिए। उस वक्त ड्राइवर काफी रफ्तार से चला रहा था। उसने थोड़ा नशा भी किया था। उस वक्त दूल्हे की नजर बाहर थी। उसने साफ साफ देखा। उसे उस दिन वाला ही सारा सीन दोबारा दिखाई दिया। दूल्हे ने तुरंत कहा कि गाड़ी रोको, मुझे कुछ दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों, लोग और ड्राइवर इतना एंजॉय कर रहे थे कि उन्होंने उसकी बात को नजरअंदाज करके गाड़ी चलाते रहे। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि चारों तरफ सन्नाटा था। गाड़ी लगातार भागती जा रही थी। धीरे धीरे सब परेशान हो गए। अचानक पूरी गाड़ी खाई में गिर गई। गाड़ी सीधा जाकर पानी के अंदर गिरी। कुछ समय बाद कुछ लोगों को उस एक्सीडेंट के बारे में खबर मिली तो गांव वाले वहां पहुंचे और पानी में डुबकी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, उस हादसे में सिर्फ 3 लोग ही बच पाए, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर, एक छोटी सी बच्ची और एक बूढ़ा आदमी जो कि दूल्हे का बाप था। दूल्हा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा और वहीं पर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, ये पूरा किस्सा न्यूज में भी था। जबकि दूल्हा हॉस्पिटल में था तो मीडिया ने उस कहानी को भी कवर किया था। फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने कुछ रास्ते में थोड़ी तरक्की कर ली है। लाइट भी अरेंज करवा दी है। वहां पर काली माँ का एक मंदिर भी बनवा दिया है। आपको बताऊं तो अभी कुछ सालों तक वहां पर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे उस दर्दनाक घटना के बारे में जरूर याद आती है। ये कहानी पूरी सच कहानी है। अगर आपको यकीन ना हो
तो गूगल कर लेना। आपको बस इतना लिखना है, हाजो नलबरी रोड आसाम, मैरिज पार्टी एक्सीडेंट केस। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम आशीष है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मुझे फ्री फायर खेलने की लत लग गई है। मैं हमेशा रात के 2 या 3 बजे तक सोता हूं। गर्मियों का समय था, एक दिन घर में लाइट चली गई। ज्यादा गर्मी की वजह से मेरी फैमिली और मैं छत पर सोने के लिए चले गए। मैं हमेशा की तरह रात के 3 बजे तक गेम खेलता रहा। आखिरकार मेरे फोन की बैटरी लो हो गई और मैं नीचे आ गया। मेरे फोन को चार्ज पे लगाने के बाद जब मैं वापस जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। मैंने तुरंत पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने फिर पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है। यही कोई 12 या 13 साल का लड़का जो कि मुझे लगातार घूर रहा है। मैंने उसे देखकर कहा कि कौन हो भाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं तुरंत भागकर अपनी माँ के पास गया और माँ को ये बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद सब लोग नीचे आए तो वहां कोई नहीं था। दोस्तों मुझे आज तक नहीं पता कि आखिर वो था क्या। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आशीष है, मैं नोएडा में एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूं। ये बात साल 2005 या 6 की है, जब मैं भिलाई छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मैं हमेशा से इन तीसरी शक्तियों का विरोध करता आया हूं। मैंने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हर सीमा तक परीक्षण किया था, जैसे कि हर ना जाने वाली जगहों पर बीच रात जाना, कब्रिस्तान में सोई हुई आत्माओं को आवाज लगाना, भूतिया जगहों पर जाकर शक्तियों को जगाना। लेकिन दोस्तों मुझे कभी भी उनके आसपास होने का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। और ठीक ये बात तब की है जब मैं उनके वजूद को नकारता था और बिल्कुल निडर हो गया था, एकदम मानो अंधेरे से भी और किसी वीरानी जगह से भी। खैर घटना मेरे फाइनल एग्जाम के कुछ दिन पहले की है। जब एक रात मैं एग्जाम की प्रेप के लिए रात में मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों के घर जाने का प्लान किया। मेरे दोस्तों का घर यही कोई 4 या 5 किलोमीटर दूरी पर था। वो रास्ता बिल्कुल नाक की सीध पर था। प्लान के मुताबिक मैं उस रात उनके घर पर पढ़ाई कर रहा था। हम अक्सर पूरी रात पढ़ते थे और फिर दिन में ही सोते थे। घर पर लोग ज्यादा होने की वजह से मैंने सोचा कि मैं बैलकोनी में चेयर लगाकर पढ़ता हूँ। और ठीक जैसा कि आपको मालूम है, हर मूवी और सीरियल में बताते हैं कि इन अजीब शक्तियों का समय 2 से 4 बजे तक का होता है, ठीक उसी तरह कुछ हुआ। गर्मी बहुत थी कि तभी अचानक से माहौल एकदम ठंडा सा हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वापस घर जाने का मन बना लिया। मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ कह रहा हूं और खुद को कहते हुए देख और सुन पा रहा हूं। इस बात को खुल के समझा पाना जरा मुश्किल है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ना सोने की और थकान की वजह से ऐसा हुआ हो। मुझे मेरे दोस्तों ने रात के उस पहर में घर जाने से मना किया, लेकिन मैं कहा माना। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। मैं चुपचाप अपने स्कूटर पर निकल गया। दोस्तों न जाने क्यों पर स्कूटर निकालते ही न जाने मुझे ऐसा क्या सूझा, मैंने रास्ता ही दूसरा ले लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये रास्ता मेरे घर की ओर जा रहा है। उस वक्त वो ठंडक मेरे साथ ही चल रही थी। वो एक ऐसी ठंडक थी कि इसका एहसास इस घटना के बीच जाने के बाद भी हुआ। खैर कुछ दूर जाने पर मैंने पाया कि मेरा स्कूटर एक बड़े से गेट के अंदर जा रहा है और वो गेट ठीक रोड पर है। उस गेट के दोनों तरफ कब्रिस्तान थे। उसी बीच अचानक मुझे अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका होने का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ साथ जैसे कोई चल रहा हो, शायद कोई आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने समय ना गवाते हुए तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मैं चुपचाप स्कूटर चलाता रहा। मुझे ठीक उस रास्ते से अपने घर का रास्ता याद आया। मैं पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और सीधा अंदर की तरफ भागा।
मैंने कुछ समय बाद इन शक्तियों को ढूंढने की कोशिश एकदम बंद कर दी। बस तब से ही मेरी भगवान पर आस्था और ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इतने इत्तफाकों का होना और उसका एहसास, ये सब उनकी मौजूदगी का प्रमाण था, सिर्फ मेरे लिए। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। ये कहानी मेरे मित्र आयुष नेगी की है, जो कि उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल किशनपुर गांव के रहने वाले हैं। ये बात लगभग 2013 की होगी। मेरे दोस्त के पिताजी, जो कि वन निगम में कार्यरत हैं, हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, तो ठीक मेरे मित्र आयुष बताते हैं कि यूं ही एक दिन उनके पिताजी घर से यही कोई 3 किलोमीटर दूर एक वेडिंग हॉल स्टाफ की पार्टी में गए थे। लौटते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई, तकरीबन 12 बजे उन्होंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लेने आ जाओ। मेरे दोस्त ने कहा कि पिताजी, मैं आपको जल्द ही लेने आ रहा हूँ। आयुष ने जैसे ही मोटरसाइकिल बाहर निकाली तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसका गेट खोलकर आंगन की ओर जा रहा है। दोस्तों, मेरे दोस्त के दो घर हैं जो कि अगल बगल ही हैं। दूसरा घर उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। उसे लगा कि शायद उसके किराएदार होंगे। खैर, वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर पिताजी को लेने चला गया। वैसे तो उन्होंने अपने घर में पूरे CCTV कैमरे लगाए हैं, पर पिताजी को घर लाने के बाद जब अगले दिन उन्होंने CCTV की फुटेज देखी, जो कि वो हर रोज ही करते थे, तो यकीनन वो चौंक उठे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि रात जिस इंसान को उसने अपने गेट के अंदर घुसते देखा था, वो ठीक उस CCTV कैमरे की फुटेज में नहीं था, जिसे देखकर वो बेहद घबरा गया और परेशान भी हो गया। उसने बताया कि वो एक हफ्ते तक उस चीज के बारे में दिन रात सोचता रहा कि आखिर वो था क्या। वो बार बार उस फुटेज को बारीकी से चेक करने लगा, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और तो और, उसका कहना है कि उसे आज तक नहीं पता चल सका कि जिस चीज को उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, वो रिकॉर्ड होने के बावजूद भी कैमरे में नहीं दिखा। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि वो क्या चीज रही होगी। बस इतनी ही है ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम हैदर फारूक है। मैं जम्मू कश्मीर के एरिया श्रीनगर में रहता हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच है, जो कि मेरे साथ घट चुकी है। दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं एक बार घर वालों के साथ अपनी मासी के घर गया था, जो कि गाजीगुंड का एरिया है। वो एक ऐसा गांव है जहाँ भूत चुड़ैल का दिखना आम सी बात है। खैर, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैं वहाँ खेलने के लिए निकला और नदी के किनारे खेलने लगा। मैंने खेलते खेलते देखा कि एक औरत जो नदी पर अपने कपड़े धो रही थी, उसने ठीक मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ आ जाओ। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया तो उसने मेरा गला पकड़कर सीधा मुझे नदी में फेंक दिया। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दिल तो मेरा जब दहल गया जब मैं पानी से बाहर निकला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जबकि मैं कुछ 5 या 6 सेकंड में ही पानी के ऊपर आ चुका था। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि इतने कम समय में कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है। बाकी दोस्तों, ये कहानी जरूर छोटी है, मगर सच्ची भी तो है। आइए दोस्तों, चलते अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं बंगाल से हूँ। मैं सबसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, और ठीक ये कहानी मैं 1 साल से सोच रहा हूँ। मुझे डर लगता है कि बताने के बाद कोई आफत ना आ जाए। ये कहानी मेरे साथ ही घटी है, जो कि बिल्कुल सच्ची है। बात 2017 की है, जब मैं क्लास 7th में था। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 13 साल की थी। आपको एक बात बता दूं कि मैं दिमाग से बिल्कुल भी चालाक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी हुई है। मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। दोस्तों, स्कूल में एक लड़की थी जो क्लास 6th में थी। मैं उसको तभी से प्यार करने लगा था। मैं ये सारी बातें अपनी माँ को रोज़ बताता था। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं करोगे,
पर मैं सच कह रहा हूं। एक दिन की बात है, 2015 में मेरी माँ का देहांत हो गया। उस वक्त मैं क्लास 7th में आया था। दोस्तों सच कहूं तुम उस लड़की को पसंद ही करता रहा, पर मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या वो लड़की भी मुझे पसंद करती है या नहीं। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। दोस्तों मैं समझ चुका था कि शायद ये नाटक कर रही है, तो मैं भी ठीक अजीब सा नाटक करने लगा। मैं उसके सामने किसी और लड़की से बात करने लगा ताकि उसको जलन हो, लेकिन ये तो मेरे साथ उल्टा हो गया। उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ मैं बर्दाश्त न कर सका। मैं ठीक इसके 2 या 3 दिन बाद किसी दूसरी लड़की से बात करने लगा, पर मैंने उस लड़की को पहले ही बता दिया था कि मैं बस ये किसी और को जलाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसे ही एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उन दोनों लड़कियों ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, जिसके बाद मैं घर पर जाकर बहुत रोया। दुख इतना था कि बयां नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ दिन बाद मैंने उसके सामने नकली जहर खाकर दिखाया ताकि उसे कुछ तो दुख हो, लेकिन उसने तो उल्टा जवाब दे दिया। उसने मुझसे कहा, जब तू असली जहर खाकर मरेगा तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। दोस्तों ये बात सीधा मेरे दिल पर लगी। घर जाकर मैंने गुस्से में चूहे मारने वाली दवाई को एक झटके में खा गया। इसके ठीक आधे घंटे बाद मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं सिर्फ सोचने के सिवाय अपने शरीर से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच कहूं तो ये मौत होने से पहले वाला एहसास था। मेरा पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया था, बस मेरी आंखें थोड़ी सी खुली थी। सब कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसी बीच मेरे दिल से बद्दुआ निकली। मैंने दोनों लड़कियों को बद्दुआ दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। दोस्तों सपने में मैंने अपनी मरी हुई माँ को देखा, पता नहीं कैसे पर मैंने उनका सपना देखा। इसके बाद मैं करीब बहुत समय के बाद ठीक हुआ। मेरी माँ रोज मेरे सपने में आने लगी। मैं स्कूल पहुंचा तो स्कूल में भी दोनों लड़कियां नहीं थी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते 3 दिन चले गए। इसके बाद मैंने उनके गांव जाकर खबर लगाई तो पता चला कि वो दोनों लड़कियों में से जो दूसरी लड़की थी उसकी नदी में डूबकर मौत हो गई, और ठीक जो पहले वाली थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बदला लिया हो। और हाँ, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी सुसाइड करने के लिए आजमाया लेकिन सफल नहीं हुआ। मैंने कई बार जानबूझकर भूतों से पंगा लेने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे मैं दिखने में सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरे मन में ये सवाल आता है कि मेरी माँ को गुजरे हुए इतने दिन हो गए, तो जहर वाले घटना के बाद ही क्यों मुझे प्रोटेक्ट करने लगी। और हाँ दोस्तों, उन दोनों लड़की में से सिर्फ एक लड़की ही क्यों बच गई। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे वो लड़की मिल जाए। बाकी थैंक्स मेरी इस कहानी को सुनाने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।